साल 2019 के फरवरी महीने की 14 तारीख ने देश को झकझोर कर रख दिया था। इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर हमलावर ने विस्फोटक भरी कार से सीआरपीएफ काफिले की बस को टक्कर मार दी थी। धमाका इतना भयंकर था कि बस के परखच्चे उड़ गए। इसके बाद घात लगाए आतंकियों ने आंधाधुंध फायरिंग भी की। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। आज एक और जहां पूरी दुनिया वैलेंटाइन डे मना रही है, वहीं आज का दिन देश के लिए एक दुखद याद लेकर आया है। आज पुलवामा हमले को एक साल हो गए और इस अवसर पर साइन अब्दुल रज्जाक अंसारी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर में पुलवामा हमले में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर कॉलेज के सेक्रेटरी आरिफ अहमद अंसारी ने दीप प्रज्वलित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सभी ने कैंडल जलाकर शहीदों को याद किया और उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की। सभी ने 2 मिनट का मौन धारण किया। इस अवसर पर सेक्रेटरी आरिफ अहमद अंसारी के साथ पूजा सिंह, सेक्रेटरी मैनेजर ईशा गुप्ता, पीआरओ जैद अहमद अंसारी, सरिता कुमारी के साथ सभी शिक्षक मौजूद थे।